नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। कुलदीप सिंह सेंगर पूर्व बीजेपी एमएलए उन्नाव गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब एक और मामले में कोर्ट ने सेंगर को दोषी करार दिया है, रेप पीड़िता के पिता की पुलिस थानों में हुई हत्या के मामले में। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को फैसला सुनाया, सजा का ऐलान 12 मार्च को होगा। इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, कोर्ट ने 4 लोगों को बरी कर दिया, वहीं 7 लोग दोषी करार दिए गए। दोषियों में यूपी पुलिस के 2 अधिकारी भी हैं, एक SHO और दूसरा सब इंस्पेक्टर। जिला जज धर्मेश शर्मा ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर का हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन पीड़िता के पिता को बर्बरता से मारा गया, ये ट्रायल चुनौतीपूर्ण था। कुलदीप सिंह सेंगर ने खुद को बचाने के लिए अपने पावर का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन CBI ने चुनौतीपूर्ण माहौल में अच्छा काम किया। जिन्हें दोषी ठहराया गया उनमें कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, अशोक सिंह भदौरिया SHO, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउआ सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह, शरदवीर सिंह, शैलेंद्र सिंह उर्फ टिकू सिंह, रामशरण सिंह उर्फ सोनू सिंह और अमीर खान जो कि कांस्टेबल हैं, इनको कोर्ट ने बरी कर दिया। रेप विक्टिम ने 4 जून 2017 को कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य पर गैंगरेप का आरोप लगाया। जब गैंगरेप हुआ तब विक्टिम नाबालिग थी। रेप के आरोप लगने के बाद विक्टिम के परिवार को लगातार धमकियां मिलने लगीं। विक्टिम के पिता थाने कैसे पहुंचे? उन पर 1991 से 2004 के दौरान अलग अलग थानों में डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश, लूट के कुल 28 मुकदमे दर्ज थे। किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, ऐसी खबरें चली हैं। 3 अप्रैल 2018 को पुलिस ने उनके खिलाफ मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्नाव जेल प्रशासन के मुताबिक 8 अप्रैल की देर रात उनके पेट में तेज दर्द उठा। आनंद फानन में जेल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उनकी मौत हो गई। परिवार ने पुलिस की मारपीट से मौत का आरोप लगाया। 10 अप्रैल 2018 को सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घर वालों के आरोप सही निकले। रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि ज्यादा पिटाई की वजह से पीड़िता के पिता की आंत फट गई थी और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। इस मामले की जांच कर रहे ADG आनंद कुमार ने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के 14 निशान मिले थे। इसी दिन सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच के बाद CBI ने आरोप साबित करने के लिए पीड़िता की मां, चाचा, बहन, पिता के सहकर्मी समेत 55 लोगों के बयान दर्ज किए थे, जबकि बचाव पक्ष ने 9 गवाह पेश किए थे। रेप मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार को काफी धमकियां दी गईं। 28 जुलाई 2019 को रेप पीड़िता जब सुनवाई के लिए कोर्ट जा रही थी तब उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आरोप लगे कि पीड़िता को चुप कराने के लिए उसे मारने की कोशिश की गई। 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को धारा 120B, 363, 366, 376 और पॉक्सो के तहत दोषी ठहराया। 20 दिसंबर को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। इस पूरे वीडियो पर बातचीत की आपकी क्या राय है हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। वीडियो YouTube और Facebook पर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए ललन.com। शुक्रिया।